मान के चलो, ठीक है ना, मान के चलो 15 फोर कितना होता है, आप बोलोगे सर 60 मार्क हो गया, कितना मार्क हो गया, 60 मार्क हो गया, सिक्सटीन है ना। तो मेन बात क्या, अगर आपका 60 मार्क्स आ गया सिर्फ एक पार्ट में ना, और आपने ये देख लिया कि जितना मैंने किया होता सही है, तो उसको छोड़ दो, उसका ये देखो कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आया। सिंपल सी बात, अगर आपको 30 में से अगर आप 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखा कि उन्होंने अगर 20 क्वेश्चन राइट किए होंगे ना, तो 10 उनका रॉन्ग कर दिए, है ना, रॉन्ग कर दिए। अब मान के चलो देखो 20 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क हो गया, 80 मार्क्स, कितना मार्क हो गया, 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया बच्चे लोग ने, 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, कितना हो गया, -10 गया, है कि नहीं, बोलो बच्चों, यस गया -9 हो गया, तो कितना बचा, 70 मार्क बचा, है ना। सर, आपको देखो, आपको है ना नेगेटिव मार्किंग हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपका नेगेटिव 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होता। आप मैक्सिमम खाली 5 मार्क को अफोर्ड कर सकते हो, ओनली 5 मार्क्स, मतलब कि 5 मार्क्स होंगे चलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, सपोज करो मान के चलो आपने कितना किया, मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किया, ठीक है ना, अब वापस लिखते, चलो मैं लिखता हूँ, आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किया, है ना, कितना गया, 80 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, 80 मार्क अटेंड किया, उसमें से आपका 18 राइट है, कितना राइट है, 18 राइट है, रॉन्ग कितना हो गया, 2 रॉन्ग हो गया, है टू ना, 2 रॉन्ग हो गया। अब बताओ कितना मार्क्स बनेगा यहाँ पर, कितना मार्क्स बनना चाहिए, बोलो, 72 ओके,70 ठीक है, समझ गया ना मेरा कहने मतलब। तो कितना मतलब कि सिर्फ दो, या फिर दो से ज्यादा, दो या तीन या चार या पांच, मैक्सिमम मैक्स 5, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, उसके तो रॉन्ग करो ही मत बेटा, नहीं तो पक्का आपका रैंक गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं, 5 के नीचे करना ही नहीं आपको रॉन्ग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ का किस लेवल का आया था, मेरे पास लिस्ट है, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया मैंने। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, जो पहले 3 क्वेश्चन थे आई थिंक काफी ट्रिकी थे, तो मैं उसको मैं क्या बोलूंगा, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे ना, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, वो मैं बोलूंगा आपको मीडियम टू हार्ड लेवल थे, मीडियम टू हार्ड लेवल के थे, ओके। वो करना ही नहीं है, लग रहा है थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन, छोड़ दो, करना ही दिखना ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो आपका था, फोर्थ क्वेश्चन था आपका इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ईएम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये मतलब क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, है फॉर्मूला ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो फिफ्थ वाला फोर्थ वाला इंपेरिकल फॉर्मूला था, जो फिफ्थ वाला को पार्ट था वो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे था, क्या था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सिक्स वाला क्वेश्चन वो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना। उसके बाद और क्वेश्चन था, और जो 22 नंबर वाला क्वेश्चन था वो क्या था आपका, वो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है ना, और मैं चेक कर रहा हूँ। और 27 वाला क्वेश्चन वो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद हाँ इतना मतलब कि आपका 4 क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 5 क्वेश्चन कहाँ से, इंपेरिकल फॉर्मूला से आ गया। मतलब क्या, अगर आपको कोई शॉर्टकट, रुशिल बता रही थी, अगर आपको शॉर्टकट मेथड पता है इंपेरिकल फॉर्मूला को, आपका तो मतलब 5 मार्क्स तो ऐसे, मतलब कि 20 मार्क्स को तो ऐसे ही आ गया, राइट, ऑब्वियसली आ गया, है कि नहीं। उसका देखो बच्चों वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा लिख, इजी वाला पार्ट, इसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इजी वर्ड बता रहा, पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपका 7th क्वेश्चन था वो आपका लॉस के ऊपर था, मतलब क्या, हमने कितने लॉस पढ़े थे बेटा, हमने टोटल कितने लॉस पढ़े थे, 5 लॉस, 5 लॉस पढ़े थे, है ना, 5 लॉस पढ़े थे। हाँ, 5 लॉस, कौन सा पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, डेफिनेट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, एनर्जी, एवोगैड्रो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉपर, ये सर गेल ये इफेक्ट, फिर आपका गेल इफेक्ट, गेल इफेक्ट पता है, देख नोटिस क्या होगा, गेल इफेक्ट में जो क्वेश्चन आया था ना, यस सर मैंने मैंने और एक चीज देखा कि कल के जो टेस्ट में ना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना। तो हो सकता ये है कि देखो जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, आई थिंक उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट, फिजिक्स यस के जो यस सेकंड है ना, है सर उसमें भी है, तो ये हो सकता है कि क्या पता क्वेश्चन वहां पे आ जाए या ना, नहीं भी है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि पढ़ना मुझे क्या है, समझ गए सारे बच्चे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, यस ओके। अब देखो मैं, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, देखो मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 1 2 3
तीन चार पांच छह सात आठ आठ ओके सो एट क्वेश्चंस आपके एट क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट वो आपके मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सॉरी बेटा वो आपके मोल कॉन्सेप्ट वो आपके मोल कॉन्सेप्ट से ठीक है ना आठ क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आए थे वो भी इजी वाला पार्ट है फिर आपका एक एक क्वेश्चन आया था वेपर डेंसिटी नोट डाउन कर लिया बेटा इसको नोट डाउन कर लो आई थिंक 16th वाला क्वेश्चन था वो कौन सा था आपका वेपर डेंसिटी के ऊपर था है ना तो वेपर डेंसिटी आपने कभी सुना पहले के वेपर डेंसिटी के बारे में वेपर डेंसिटी क्या एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्रॉपर तरीके से सर हमने तो दिनेश से पढ़ा है समझ रहे हो ना मेरी बात तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आप उसी को फोकस करो अभी और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या पता चल गया लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं है ना फिर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट से क्वेश्चन आया है ना उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं फिर आपका हाँ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं समझ रहे हो तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए इस अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूँ क्या पढ़ना है मुझे जैसे हम अगर बात करो प्रीवियस वाला पार्ट जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर से फैन रेट चेंज करो वो क्वेश्चन आया नहीं आया राइट आया बच्चों नहीं आया हाँ सॉलिड से लिक्विड के बारे में जा रहे हैं वो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन भी नहीं आया नो सर आप ये देख रहे हो जो इनिशियल वाला क्लासेस था इनिशियल जो तीन क्लास था उसमें वो क्वेश्चन आया नहीं आया है ना कहने का मतलब क्या अभी हमसे जो भी पार्ट पढ़ेंगे अगर आप जब भी आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे इन टर्म्स ऑफ नीट के बारे में तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मुझे कहां से करना है आपको स्टार्ट करना है ऑलवेज मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है हाँ एटॉमिक मास स्टार्ट करो मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट करो डिफरेंस पता होना चाहिए एटॉमिक मास के बारे में और मोलर मास के बारे में क्या होता है ठीक है बच्चों समझ गए यस सर अभी कल मैं क्या करूंगा आपको कराऊंगा कल मैं आपको कराऊंगा जो हम क्वेश्चंस करेंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो हम करेंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़े यस सर अब देखो जैसे आपने ये टेबल हाँ ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको पूछते हैं नंबर ऑफ मोल्स आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने बोल देंगे और आपको ये बोलेंगे एक मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कोई गैस है ना तो हम क्या जानते हैं कि एक मोल के अंदर कोई भी गैस कितना मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई करता है आप बोलोगे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैस अगर मैं कोई भी गैस का वन मोल लेता हूँ क्या लेता हूँ मैं कोई भी गैस का अगर मैं वन मोल लेता हूँ तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा लेकिन जब मैं बात करता हूँ वन मोल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ वन मोल के बारे में तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए आप ये बोलोगे सर एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं तो आप बोलोगे 6.022 into 10^23 है ना ये आप है ना ये आपके माइंड में ये आपके माइंड में नंबर आएगा ये आपके माइंड में नंबर आएगा तो ये हो क्या सकता है या तो ये एटम भी हो सकता है ठीक है एटम भी हो सकता है आपका मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आपके पार्टिकल्स भी हो सकते हैं राइट यस सर समझ गए बेटा तो क्या हो सकता है yes, sir. जब मैं वो नंबर के बारे में बात करूं yes, तो नंबर के बारे में बात करूं तो क्या आपके माइंड में हो चाहिए वो एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है पार्टिकल भी हो सकते हैं समझ गए बच्चा कोई दिक्कत चलिए अब आगे बढ़ते ठीक है ना आगे बढ़ते अब देखो जैसे ये वाला पार्ट है ना अब देखिए लिखा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ठीक है मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया अब मान के चलो नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ गया आपको पूछे मैचिंग के फॉर्म में मैच द फॉलोइंग के बीच पूछ लिया आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या कर दे देंगे मोलर मास दे देंगे और ये आपको फॉर्मुला दे देंगे आपको फाइंड करना पड़ेगा है ना तो क्या करते हैं सबसे पहले यूरिया का निकालते हैं यूरिया का फॉर्मुला क्या होता है बच्चों आप बोलोगे NH2 CONH2 राइट यही फॉर्मूला होता है ना यस सर है ना यस तो जी अभी करता हूँ फर्स्ट वाला का मैं एग्जांपल देता हूँ देखो और हाँ टाइम भी नोट करना हमें
कोई भी क्वेश्चन करना टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। देखो मैं एक्सप्लेन किया, थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन आपको कम लगना चाहिए। और हाँ सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठे हैं ना, जो भी मैं बोलूंगा नोट कर लो। ओके ओके फाइन। अगर जैसे मैं बात करूँ इसका फॉर्मूला, तो मैं क्या क्या बोलूंगा, नाइट्रोजन होता है 14, एक नाइट्रोजन है पहला नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है दो हाइड्रोजन फर्स्ट कंप की, तो क्या लूंगा मैं 2 × 1 प्लस कार्बन, कार्बन कितना होता है आप बोलोगे 12, ऑक्सीजन कितना होता है आप बोलोगे 16, वापस नाइट्रोजन आ गया तो आप क्या बोलोगे वापस 14, वापस 2 आ गया तो कितना ये बोलोगे 2 फटाफट प्लस को क्या आंसर आएगा, फटाफट प्लस को क्या आंसर आ रहा है, कौन बच्चों फटाफट प्लस करो, कितना है 60 यार। अभी आप टाइम देखिए, आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने में कितना लगा, अराउंड 45 सेकंड लग गया है ना। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है अब से, मतलब कि देखो स्कूल का जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप नेट का पढ़ाई करोगे ना कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करना। आप ये ट्राई करो जो भी प्लस करना है मुझे, मल्टीप्लीकेशन जो भी ऐड करना है मुझे, क्या करना है उसको मैनुअली करना है, मतलब कि हैंड रिटन करना है। इससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि मुझे आते हुए क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। यस सर। ओके अब देखो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, एसीटोन क्या दिया, एसीटोन का फॉर्मूला देखो। अब देखो हाँ ये बात वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जिसको पता है ना ये वाला पार्ट वो फटाफट आंसर लिख देगा, वो वेरीफाई नहीं करेगा कि हाँ 50 आ रहा है 56 आ रहा है, इससे बोल रहा हूँ जब भी आप ये सब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको एग्जाम्पल से उठा रहा हूँ है ना, तो एग्जाम्पल में ये सब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी एग्जाम्पल दिया गया है या तो एनसीईआरटी के दिनेश के बैचलर में जितने भी फॉर्मुलास हैं उन सब का फॉर्मुला एक बार लिख लो, तो माइंड में याद आएगा हाँ चलो ये फॉर्मुला आना है तो मुझे ये फॉर्मुला करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो फटाफट काम करते हैं, चलो एसीटोन का, एसीटोन का भी हो जाएगा। अब हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो क्या लिखा है H2SO4 है ना, क्या इसका फॉर्मुला बनेगा, मतलब इसका कितना मोलर मास होगा, बोलो बोलो बच्चों कम ऑन ट्राई करो। आप बोलोगे हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 1 प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है बच्चों 32 प्लस 4 × 16 सल्फर का, दो सल्फर का 19 32 हां वेरी गुड, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 16 लेकिन जब उसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो कितना आता है आप बोलोगे 32 तो फिर क्या होगा कितना होगा 4 तो क्या आएगा 2 + 32 + 64 जेन्युइनली पढ़ाई करना है ना, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, आप आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्ली करो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बस बोल देना, ठीक है ना। मान के चलो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप H2 लिखा, जैसे मान के चलो मैं H2 लिख रहा हूँ, अभी आपको पता है कि H2 का 18 नहीं आता है तो आप वहां पर मुझे टोक देना, बोलना सर ये हमको आता है इसको छोड़ दो। हम सब मुझे मैं ये मानता हूँ कि 99% को वाटर का ऑब्वियसली क्या पता होगा, तो आंसर कितना आएगा आप बोलोगे आंसर कितना आएगा उसके अंदर 18 ग्राम्स हो गया, तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जब यह तो निकालना मत बैठना। जैसे अभी यूरिया वाला पार्ट है पता चल गया यूरिया में कितना आ रहा है 60 ग्राम आ रहा है, आपको वहां पे निकालने दे, हाँ निकालना नहीं है, आप फटाफट आंसर लिखोगे, ठीक है समझ गए। यस सर। चलिए यस सर। ओके अब जाओ नेक्स्ट। यस सर। अब देखो कल मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि कल इस कल जो टेस्ट हुआ था इसमें से हमें लॉस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। तो क्या लिखा क्वेश्चन, हां क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो, कंपाउंड आर फॉर्मड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना, कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये स्टेटमेंट कौन नहीं कहता, क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डज नॉट रिलेट टू दिस स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके बारे रेशियो के बारे बात नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहां पे, नॉट, जब भी आपको नॉट वाला दिखे ना, जब भी आपको क्या दिख रहा है, ये नॉट दिख रहा है, नोट ही दिख रहा है ना, तो वो क्वेश्चन को दो बार पढ़ना, होता क्या है ना हम जल्दीबाजी में राइट का आंसर को रॉन्ग करके आ जाते हैं, तो जब भी नॉट वाला पार्ट आएगा आपको समझना है कि सर सर ने बोला दो सेकंड को, दो बार पढ़ो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये लिखा है, मैं चेंज करता हूँ। ओके
अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपाउंड आर फाउंड व्हेन एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो ये फिक्स्ड रेशियो किस कौन बात करता है? आप बोलोगे डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, डेफिनेट प्रोपोर्शन करता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन यस क्या होगा? सर, मल्टीपल प्रोपोर्शन यस सर, है ना। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन इन रेशियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता? तो आप बोलोगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ और आपका एवोगैड्रो लॉ, वो भी आपका ये बात नहीं कहता, राइट? ओके, हाँ, तो मुझे कौन बताएगा? अच्छा रुशिल मुझे बताएंगे एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। चलो बता बता एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है आपको? सो विच लॉ? एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लिखा ना यहाँ पर, टिक किया देखो एवोगैड्रो। यस सर। जी बेटा सो एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स, देखो प्रॉप मतलब के ना वो बोलते हैं जो लिखा वो उसको मत दो, जितना आपके माइंड में याद है आप उससे को ट्राई करो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप हाँ बोलो नॉर्मल वे में बोलो। means under the same condition of temperature and pressure equal volume of different gas contain equal number of molecules. एकदम परफेक्ट। मतलब इसका मतलब ये होगा तो क्या ये एवोगैड्रो रेशियो के बारे में बात कर रहा है? नहीं, वो किसकी बात कर रहा है? वो नंबर ऑफ डिफरेंट गैस के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, और किसके बारे में बात कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपका होगा ए एंड डी, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना? ओके समझ गए, तो इसका ये आपका राइट आंसर है, समझ गए? देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पलर से, क्योंकि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं। जी सरला आप कुछ पूछ रहे बेटा? नो सर। ओके फाइन, समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं प्रॉपरली? क्वेश्चन लिखा है बहुत मस्त क्वेश्चन था, आई थिंक 30 नंबर का क्वेश्चन था आपके, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे करना है, उसका अप्रोच बता दूंगा कैसे करना करके, और आप वो क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है? चलिए ओके, अब देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एटम present in one mole of element is equal to Avogadro number. Which of the following element contain the greater number of atoms? ठीक क्या बोला है? Greater number of atoms किस में होगा हमें वो find out करना है, ठीक है ना? अब देखो हम क्या जानते हैं बच्चों, देखो helium है, sodium है, calcium है और helium, sorry दो आपका helium दे दिया है, एक sodium दिया और एक calcium दिया, ठीक है ना? आप भी जानते हो इस सारे क्या है atoms है, क्या सारे atoms है, atoms, हाँ अब इसका मतलब ये हो ना, अगर मैं बात करता हूँ one mole, सॉरी कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर डालते हैं, मैं रखता हूँ येलो। चलो अगर मैं बोलता हूँ वन मोल, अगर मैं बोलता हूँ वन मोल के बारे में बात करता हूँ, तो वन मोल में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स हो सकते हैं? तो आप बोलोगे 6.0 एटम्स, है ना? ये होगा मतलब कि एक मोल में इतने एटम्स तो होंगे, गारंटी होंगे, है ना? सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूंगा दो मोल, तो दो मोल में क्या होगा, ऑब्वियसली इससे ज्यादा एटम्स होंगे, है ना? अगर एक मोल में 6.022 है तो दो में क्या होगा, उसका डबल, तीन में कितना होगा, उसका ट्रिपल, चार मोल में क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते जा रहा है, अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, सॉरी सर नेटवर्क इश्यू हो गया कि इसकी क्लास कट हो गई थी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात है, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है ना? अब देखो अभी हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपका, 4 ग्राम हीलियम। अब देखो मैं यहाँ पे एन1 लिखता हूँ, ठीक है ना? एन1 मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, सही है बच्चों, यही फॉर्मूला होगा ना, राइट? यस सर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा मास अपॉन एटॉमिक मास का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अब अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं, फर्स्ट वाले केस की, तो मास कितना दिया है, आप बोलोगे हीलियम का मास दिया 4 ग्राम, कितना दिया है 4 ग्राम, है ना? अब
हमें मास पता चल गया, अब मुझे बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? आप बोलोगे 4, राइट? राइट, ऑब्वियसली 4 ही होगा ना, क्या दूसरा कुछ होगा? नो सर। ओके, कितना था? 4। तो क्या 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर आया? 1 मोल। तो मैं बोलता हूं कि n1 कितना आया? n1 हमारा आया 1 मोल आया, ठीक है ना? अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है ना? एग्जाम में आपको तो आपके माइंड एकदम फास्ट चलना चाहिए। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, आपको नंबर ऑफ बोल्स वाला फॉर्मूला तो बाय हार्ट होना ही चाहिए, आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन पूछा कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ N2। N2 मतलब क्या? सोडियम की बात है ना। अब देखो सोडियम की बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 4/4 छोटे दे दो, ठीक है? यहाँ पे और दोनों कट गया। सोडियम का तो मास कितना दिया है, क्या सोडियम का आपको दिया है? 46। एकदम परफेक्ट। अब बताओ बच्चों सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 22। कितना होता है? 23। मांग के जो 23 दिया, कितना दिया है? 23। और हाँ बच्चों डरना नहीं है, एग्जाम के अंदर ना आपको ये सब का मास दिया गया होगा। अगर नहीं दिया होगा ना, जो बेसिक बेसिक आता है उसको आपको प्रॉपरली असाइन करना है। हाय नियति, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहेगा क्या, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है जो बेसिक वाला पार्ट, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हीलियम होगा, इस सब का मास आप बाय हार्ट ही कर लो, जिससे क्या होगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या होगा, ये 1000, ये 2000, तो कितना आया इसका? N2 का हमारा आया कितना? 2 मोल। कितना आ गया? 2 मोल आ गया, समझ गए बच्चा? वैसे क्या होगा, वैसे क्या करोगे थर्ड वाले का? अगर आप थर्ड वाले डालते हो तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर N3 लिखता हूँ मैं, क्या दिया है? 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या दिया है? 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बेटा माइक थोड़ा म्यूट कर लो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। बच्चा किसका माइक चालू है? मनीषा आपका माइक चालू है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो ठीक है ना, फाइन। N3 देखते हैं, N3 क्या दिया है बेटा? यहाँ पे देखो आप बोलोगे, आपका दिया है मास, मास कितना दिया इसका बोलोगे? 0.4 ग्राम। और हाँ हमेशा बच्चा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी यूनिट को डालोगे हमेशा यूनिट सेम रखना है, हमेशा यूनिट क्या रखना है आपको? सेम ही रखना है, डिफरेंट मत रखना। मिलीग्राम है तो हाँ ठीक है ना, तो आपको क्या आना चाहिए? यूनिट कन्वर्शन में आना चाहिए। तो कल के क्लास में क्या होगा, आपको यूनिट कन्वर्शन का ग्राफ दे दूंगा आपको, उसको अपने पास रखना और उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। वो आपका थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, स्टेट ऑफ मैटर में काम आएगा, फिर आपका सेकंड चैप्टर में काम आएगा, लैम्डा फाइंड करने के लिए काम आएगा, तो अलग अलग काम है। इसलिए आपको ना वो बेसिक सा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, मिलीग्राम से ग्राम, फिर ठीक है ना, फिर डेसीमीटर से मीटर, है ना? तो बेसिक बेसिक वजह छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, ठीक है? ओके, अब देखो कैल्शियम का मास कितना है? कैल्शियम का जो मास कितना होता है, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, तो मास कितना होगा उसका? डबल हो सकता है 40। तो 0.4 को डिवाइड बाय 40 तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.01 आ गया। तो सिंपल सी बात, अब हम फोर्थ वाले ऑप्शन करते हैं। फोर्थ वाला क्या आपका? N4 लिखता हूँ, क्या दिया है? 12 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या दिया आपका? 12 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। ओके, क्या होगा? 12 ग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हीलियम लिखता है 12 ग्राम, दिया 3 ग्राम, तो कितना आएगा? 3 मोल। कितना आया? 3 मोल आ गया। अब बच्चा बताओ क्या लिखा है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑब्वियसली 3 मोल ग्राम हीलियम। तो आपका ये आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर है ना, क्या ये आपका राइट आंसर? समझ गए बेटा लोग? यस सर। ध्यान ये रखना है, तो ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप करोगे ना, आप करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दिया तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर क्या करना है, खाली आपको टैली करना है। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर है, मतलब कि 6.02, तो 2 मोल में कितना होगा? उसका डबल होगा। 3 मोल में क्या होगा? उसका ट्रिपल हो सकता है कि नहीं? तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो दिक्कत वाली बात? Yes, sir. ओके, चलिए चलिए, ठीक है।
ओके अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आई थिंक दिख रहा होगा प्रॉपरली, दिख रहा है? यस सर, यस सर। देखो जी बेटा यहाँ पे देखो, फाइन ये देखो बेटा, बच्चा क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, ठीक है ना, एटम्स के बारे में दिया है तो हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, सारे के सारे बच्चे करोगे। कर लिया है, कर लिया है, yes, चलो जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करता हूँ, सबका मॉलिक्यूलर मास देता हूँ, फाइंड आउट करिए। जिसका नहीं हुआ है मैं सबको बोलूंगा आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। क्योंकि देखो देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, मैं यहाँ पे चलो वो मार कर लेता हूँ लाइन मानता, ठीक है सही रहेगा। ठीक है अब देखो ऑक्सीजन कितना दिया है, देखो एक ऑक्सीजन होता है 16, तो ऑक्सीजन गैस गैस कितना होगा आप बोलोगे 32 ग्राम, कितना होगा 32 ग्राम, ठीक है ना। हाइड्रोजन पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को होता है कितना 16 16 32 32 और 12 कितना हुआ 44, कितना हुआ 44 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, यहाँ पे भी 44 ग्राम पर मोल लिख देता हूँ। फिर आप क्या बोलो, फिर आपका क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो कितना होगा 28 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। फिर क्या है कार्बन, कार्बन का पता है सोडियम को पता है, ठीक है ना। तो फटाफट फाइंड आउट कर लो सबको बच्चा, फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। चलो आपके पास 2 मिनट है, आपको 2 मिनट के अंदर सारे ऑप्शन का 1 2 3 4 जितने देखो कितना है, एक एक फर्स्ट में दो ऑप्शन है, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो मतलब क्या होगा सेम नंबर ऑफ एटम्स कब होगा, जब दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या होगा सेम होगा। अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो एटम्स भी क्या होगा सेम ही होगा, है ना। तो क्या करो आप सबसे पहले इंडिविजुअल सबका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो कि पहले वाले नंबर मोल्स कितना आ रहा है। तो काम करता हूँ मैं, पहले वाले का फटाफट सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, चलिए करो सॉल्व। चलो yes, मैं पहला वाला मैं कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ आप करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो फर्स्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पेयर बता रहा हूँ, क्या दिया है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा N1 लिखता हूँ, N1 मतलब क्या 16 ग्राम, ठीक है आपका 16 ग्राम दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 16 लिखो, मास दिया आपका, मास दिया आपका 16 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है एक ऑक्सीजन 16, तो दो का कितना 32, यहाँ पे 32 लिख दिया तो कितना आंसर है मेरा, यहाँ पे आया मेरा 0.5 किसका फर्स्ट का। सेम केस में क्या होगा N2 लिखता हूँ, किसका हीलियम वाला लिखता हूँ N2, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो 4 ग्राम, तो मास कितना दिया आपका 4 ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हीलियम का 4, तो कितना आ गया 1 मोल। अब देखो बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम होगा तभी हमारा क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम सेम होगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 मोल दिया गया, 1 मोल, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। यस हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन चेक करो बेटा, कम ऑन सेकंड वाला ऑप्शन चेक करिए जल्दी, कम ऑन सेकंड भी नहीं आएगा, फिर जगदीश, जानवी, करुणा, बेटा सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोमल, लेखराज, सब मुस्कान आ रहा है समझ में, मुस्कान बेटा सर आप उसको समझा सकते हो, कौन सा वाला बेटा सर, सेकंड मतलब कि फर्स्ट ऑक्सीजन का तो निकाल सर, ऑक्सीजन का निकाल लिए बट CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके ठीक है चलो फाइंड करते हैं सेकंड वाला, करते हैं सेकंड वाला, देखो क्या दिया है, एंड मैं सेकंड वाला का N2 लिख दिया, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं N2। ओके तो देखो क्या दिया, ऑक्सीजन कितना दिया आपने 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितना हुआ देखो 16 ग्राम दिया, ऑक्सीजन कितना होता है 32 मॉलिक्यूलर मास, तो इसका 0.5 आ गया, इसका 0.5 आ गया। अब देखो मैं निकालो N2 का, अब देखो क्या लिखा है 44 ग्राम, फॉर्मूला का नंबर मोल्स का वापस बोल रहा, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पे क्या दिया CO2 को एक मॉलिक्यूल है, हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी निकल कर कितना है आपका, यहां पे देखो कितने हैं 44 दिया है, तो क्या होगा देखो कितना ग्राम दिया है 44 ग्राम दिया है, और उसका एटॉमिक मास कितना है आप बोलोगे 44 ही है, तो कितना आंसर आया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 ही आ गया, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो 1 मोल है और 0.5 मोल है, क्या दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे, नो सर,
सिंपल से देखो, वन मोल में कितना आएगा, 6.022 आएगा, पावर 23 इतना आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं 0.5 मोल, तो 0.5 में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या अराउंड 3.011 ऐसा कुछ आंसर आएगा इनटू 10 yes, sir. तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मतलब पहला वाला भी कट गया, सेकंड वाला भी कट गया, कट गया है ना। तो बच्चा कौन सा, थर्ड। और ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मल्टीपल स्लिट क्वेश्चन, मतलब कि एक से ज्यादा राइट हो सकता है, समझे बटो। ये ना ये नीट में नहीं आता, ये नीट में नहीं आता, ये खाली मतलब कि जी एडवांस में आता, खाली ऐसा कुछ नीट में नहीं आता। नीट में खाली एक ही क्वेश्चन राइट होगा, अगर आपको एक राइट आंसर मिल गया तो आप आगे बढ़ो, ठीक है सर। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन तक, हाँ लास्ट पर चेक करें, लास्ट वाला। यस सर, चलो ठीक जी बेटा, चलो लास्ट पर चेक करते हैं, ठीक है। यस सर, मैं जी बेटा देखो, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। मैं कौन सा कलर लिखूं बेटा, कौन सा कलर, आई थिंक आपका पर्पल, चलो पर्पल लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया पर्पल। जिसका भी कलर पर्पल फेवरेट है ना, वो मुझे दिख रहा है, गुंजन गुंजन पर्पल कलर की है, इसलिए मजा आ रहा है उसको, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो मैं याला कर रहा हूँ, ये ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, एटम है, कार्बन क्या आपका एटम है, तो N1 लिखता हूँ, N1 क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास कितना दिया है, 12 ग्राम, 12 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 तो क्या क्या आंसर आया, 1 1 1 1। अब देखो सोडियम N2, सोडियम क्या है, वो भी आपका एटम ही है, वो भी आपका एटम ही है, ठीक है ना। कितना ग्राम दिया है, मास 23 ग्राम, हाँ तो क्या लिखोगे, 23 ऊपर लिखा, यस सर। हाँ दीपांकी बोलिए, हाँ दीपांकी बोलिए, कुछ डाउट आ रहा है बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, रुको दो सेकंड, अभी मेरी आवाज सबको प्रॉपरली आ रही है, यस सर। दीपांकी आपको अच्छे से आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, सेट करता हूँ, ठीक है, मेरा ये पास में है। देखो क्या 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो N2 कितना है, 23 ग्राम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलोगे 23, तो क्या बोला, वो भी आपका वन मोल मिला, 23। अगर दोनों का मोल सेम है तो क्या होगा, उनके एटॉम, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए बच्चों, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा था, इंपीरियल फॉर्मूला, इंपीरियल फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कल आपका पूछा था। अच्छा बेटा रोहिल, यस सर, इंपीरियल फॉर्मूला। अब बेटा आप इसमें किस टाइप का शॉर्टकट मेथड निकालते हो, आप थोड़ा बताओ कैसे करते हो सर, इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं, पर जिनमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है उनमें, तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, n इज इक्वल टू एम्पिरिकल अपॉन, सॉरी मोलर अपॉन एम्पिरिकल, एकदम से एकदम से एकदम से बोला। अब देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन करने का दो तरीका है, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सबको, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन क्या दिखा है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज CH2O, क्या बोला यहाँ पे, CH2O। तो आप ये बोल सकते हो कार्बन का कॉम्पोजिशन कितना है, आप बोलोगे 1:1, हाइड्रोजन कॉम्पोजिशन कितना है, 2, ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन क्या है, 1:1, तो इनका कॉम्पोजिशन, इनका रेशियो क्या बन गया, 1:2:1, ये बन गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया आपका, 180, मॉलिक्यूलर मास क्या दिया आपका, 180 दिया है, 180 दिया। अब क्या करोगे, आप यारो सबका चेक करो कि सबका 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक मान के चलो इसका ऑप्शन तो सी है क्योंकि ग्लूकोज का 180 आता है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, देखो देखो चेक करते हैं, देखो 12 × 6 प्लस 12 × 1, क्यों, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक होता है, ठीक है। अब देखो प्लस 16 × 6 मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप सबको प्लस को देखो 12 सीजन कितना होता है, आप बोलोगे 72 प्लस, और कितना हुआ, ये 12 हो गया प्लस,
16 सिक्सा कितना होता है बच्चा बताओ, 16 सिक्सा कितना होता है? 96 कितना होता है? 96 होता है. अब देखो 96 प्लस 12 प्लस 72 कितना आएगा आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर आएगा 180. कितना आ गया आपका आंसर? 180. अब देखो बच्चों, अब हम ये चेक करते हैं क्या रेशियो, कि जो हमारा रेशियो है, ये जो हमारा रेशियो है 1:2:1, क्या ये 1:2:1 फॉलो हो रहा है कि उसके नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं. देखो फॉर्मूला हमारा क्या, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है? देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों, देखो C6H12O6 ठीक है ना. अब मान के चलो, मान के चलो कि मैं सबको क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ. क्या करता हूँ मैं सबको 6 से डिवाइड कर देता हूँ. क्यों? मुझे सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर बनाना है. अगर मैं सबको क्या क्या आंसर आएगा मेरा आप बोलोगे, अगर मैं 6 से डिवाइड, क्या आंसर आएगा आप बोलोगे? कार्बन एक बचेगा, हाइड्रोजन दो बचेगा, तो ये मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला भी हो गया और मेरा मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर. समझिए बेटा. जी दीपांकी बोलिए. अभी भी आपका आवाज डाउट आ रहा है, स्लो आ रहा है क्या? नहीं ना सर. ओके फाइन सर. एक्सक्यूज मी. जी बोलिए बेटा. सर हमने इसे 6 से क्यों डिवाइड किया? देखो हमने 6 से इसे डिवाइड कर दिया, हमें क्या निकलना है कि एक सिंपल रेशियो बनाना है, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया. देखो अगर अगर मैं बात करूं आपको, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या देखो, C9H18O9 दिख रहा है? यस सर. यस सर. ओके दिख रहा है. अब देखो मान के चलो अगर मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, मैंने डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो क्या ऑप्शन में क्या बनेगा? मेरा ऑप्शन बनेगा C, तो कार्बन एक ही बचेगा, क्यों 9 बाय 9 कितना होता है? 1 होता है. हाइड्रोजन कितना? 18 है, तो 18 को 9 से 2 बचेगा, तो हाइड्रोजन 2 बचा. ओके और ऑक्सीजन कितना? 9 है, तो 9 से कितना ये बच गया. देखो यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेट हो गया, हमारा जो इंपिरिकल फॉर्मूला था वो तो हमारा सेट हो गया, लेकिन क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट हो रहा है? नो सर. नो सर. हमारा क्या नहीं हो रहा है, समझ पड़ा? इसलिए हमें करना, हमें दोनों वेरीफाई करना पड़ा, हमें इंपिरिकल फॉर्मूला वेरीफाई करना है और हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करना है. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एल्स दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं. समझिए बेटा. यस सर. देखो अभी तक हमने इंपिरिकल फॉर्मूला किया नहीं है, लेकिन कल की क्लास में, कल के और परसों क्लास में हम है ना लिमिटिंग रीजन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना. और हम ये भी ट्राई करेंगे कि मोलारिटी, वेट बाय वेट, ये भी मैं आपको प्रॉपरली बता दूँ, ये दो क्लास में बता दूँ, ठीक है ना, समझ गए. और हाँ ये जो कुछ, ये जो मैं आपको दूंगा, मान के चलो ये आपको जो नहीं हो पाएंगे वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना. जो नहीं आएगा मुझे बताना, क्योंकि हमको थोड़ा पेज भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो नीट में ना सिर्फ 3 ही क्लास हो रही, राइट, हफ्ते में 3 ही क्लास हो रही है, हमें थोड़ा सा बैकअप करना पड़ेगा, ठीक है. यस सर. यस सर. तो आगे बढ़े. यस सर. अब देखो ये क्वेश्चन कौन बताएगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ सर 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम का ये आएगा. आप देखो आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया. yes, आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया और वापस सोचिए कि क्या मैंने आंसर सही कहा था. आप थोड़ा ट्राई करिए, सोचो. देखिए कौन बताएगा मुझे इसका आंसर. रुशिल आप एकदम सही थे, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा चेक करो बेटा. सर देखो क्या बोला, 0.9 × 10⁻²³ ग्राम. नहीं ग्राम नहीं, देखो क्या बोला, वन कार्बन की बात करें, वन कार्बन क्या लिखा है, व्हाट विल द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इन ग्राम्स. अब देखो बच्चों मैं वापस बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया था. कलर कौन सा यूज करें? कलर हम यूज करते हैं येलो. ओके अब देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ठीक है ना. वन कार्बन एटम के अंदर कितना देखो वन कार्बन के अंदर एक कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12. एटॉमिक नंबर 6 है. अब बताओ जो एटॉमिक मास है हमें कहां से मिलता है? उसके न्यूक्लियस से मिलता है ना, उसके न्यूक्लियस एटॉमिक. अब न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन,
अगर हाँ अगर उसके अंदर, अगर मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर क्या है एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होगा और आपका 6 न्यूट्रॉन होगा, राइट? न्यूट्रॉन, ये मानते हैं सबके साथ? यस सर, यस सर, यस सर। फिर मैंने ये बोला था कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, जो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसका मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूँ, तो क्या आएगा आंसर, मैं लिखता हूँ 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन, ठीक है ना? क्यों, न्यूट्रॉन का मैंने क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया, दोनों का मास सेम है करके, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। 6 प्लस 6 कितना आता है, आप बोलोगे 12 प्रोटॉन आ गया, ठीक है ना? अभी आप बोलोगे 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, आप बोलोगे 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ये आपका एक प्रोटॉन का मास होता है, ग्राम, इन ग्राम के अंदर, ठीक है ना? एक प्रोटॉन का कितना ग्राम होता है, इतना ग्राम होता है, तो 12 कितना होगा, 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24, है ना? अगर आप 1.22 को 12 को 1.66 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 19.92 into 10 to the power minus 24 ग्राम, तो ये आपका राइट आंसर है, समझ गए? ये आपका राइट आंसर, क्रुशिल बेटा समझ में आया बेटा, ये कहाँ पे गलती होगी? Excuse me sir, सर एक्चुअली मैंने 12 बोला था पर आई थिंक मैंने म्यूट पे बोल दिया था 12 into 1.22। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके फाइन, तो ओके यस, आप एकदम सही है, एकदम सही बोल जा रहे थे, हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा म्यूट हो जाता है, कोई इशू नहीं, समझिए बेटा। तो ये हाँ बोलो बेटा, और किसी कुछ डाउट था बच्चों, किसी कुछ डाउट था? नो सर। पक्का सब 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 क्लियर, तो हम आगे बढ़े? यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए 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 बोलिए, कृतिका सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप एक काम करो, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या क्या पूछ रहे, बोल रहे हो आप? सो फिर से एक्सप्लेन करो बेटा, मैं हेलो बेटा, हेलो हेलो मैं वापस एक्सप्लेन करूँ, ठीक है मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? देखो मैंने क्या बोला, क्या क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, वन कार्बन, क्या बोला आपको, वन कार्बन एटम की बोला है, वन एटम ऑफ C12, है ना, क्या बोला, ये बोला है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, एक कार्बन के अंदर, अगर मैं एक कार्बन की बात करूं तो कार्बन में क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस में क्या होगा, 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इतना आएगा। फिर मैंने क्या लिखा, मास हम कैसे निकालते हैं, मास हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत छोटा होता है, क्या होता है, 9.1 × 10⁻³, जो कितना छोटा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका, 9.1 × 10⁻³, तो जो कितना छोटा है ना, यहाँ पर चलो -24 है लेकिन -34 कितना छोटा हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, ठीक है? फिर मैंने ये बोला कि एक कार्बन क्या है आपका, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर। फिर मैं आपको ये बताया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या ऑलमोस्ट सेम है, वो क्या ऑलमोस्ट सेम है, सेम। कृतिका केतकी सॉरी, हाँ समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ओके कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब देखो फिर मैं क्या किया, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, तो क्या किया मैंने 12 प्रोटॉन लिख दिया, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.66 × 10⁻², तो क्या किया मैंने 12 को 1.66 × 10⁻², मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरा आंसर क्या है वो मेरा क्या होगा, वन कार्बन एटम का मास होगा, क्या होगा, वन कार्बन एटम मास, कौन सा कार्बन, C12 आइसोटोप, क्या होगा, कार्बन कितना आइसोटोप से, कितना आइसोटोप कार्बन के सर, 3, है ना, तीन में से क्या होगा, कार्बन टू का उसका मास होगा, समझिए बेटा ये वाला पार्ट? यस सर, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो अगेन क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। कमोन बच्चों कमोन ट्राई करो, इसका आंसर निकालो। 16 ग्राम ऑफ, हाँ बोलो केतकी बोलो। सर आंसर 4। आंसर 4 नहीं सर, आंसर 3 नहीं, 3 भी नहीं, चेक करिए वापस। सर 2। ऐसे तो बस सब सब आंसर बोल देते, तो कोई ना कोई तो राइट ही होगा ना, क्या यार ठीक है। आप बोले ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 भी, सब ऐसे नहीं, ठीक है ना, आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो मैं हेल्प करूं, मैं हेल्प करूं आपको। यस सर, यस सर, मैं आपको हेल्प करता हूं, ठीक है। चलो पास ओके, चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है केतकी आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा, केतकी मुझे ना मेरे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है केतकी। ओके चलिए, अब क्या लिखा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अब डाउट यहाँ पे आएगा कि ऑक्सीजन का मास मुझे क्या लेना है, 16 लेना है या 32 लेना है, क्यों देखो क्या बोला है, सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बोला है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोला है तो क्या लोगे आप, कितना लोगे आप, लोगे 16, कितना लोगे 16 लोगे। अगर ऐसा लिखा होगा ऑक्सीजन गैस या डाइऑक्सीजन, अगर ऐसा लिखा होगा ऑक्सीजन गैस या डाइऑक्सीजन, तो आप क्या लिखोगे, लिखा होगा डाइऑक्सीजन, अगर आपको लिखा होगा डाइऑक्सीजन लिखा होगा तब कितना लेना आपको, आपको 32 ग्राम लेना, ठीक है 32 लेना है। अब देखो क्या लिखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या होगा, अभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा बोलो, मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, क्या होगा फॉर्मूला, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास कितना दिया है आप बोलोगे, मास दिया है 16 ग्राम, 16 एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का, आप बोलोगे 16 सर 1, तो कितना आया 1 मोल, कितना आया 1 मोल आ गया। तो अभी आपको, अभी आपको ये देखना है किसमें 1 मोल आ रहा है, किसमें 1 मोल आ रहा है वो आपको चेक करना है। एक काम करता हूं मैं, चेक करता हूं सेकंड ऑप्शन, मैं चेक करता हूं सेकंड ऑप्शन, देखो क्या दिया है N2, मैं लिखता हूं यहां पे N2, मैं यहां डायरेक्ट यहां लिखता हूं, ठीक है चलिए N2 लिखता हूं यहां पर, क्या दिया है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितना दिया आपको मास, कितना दिया आपको फार्मूला, कितना मास अपॉन एटॉमिक मास, मास कितना दिया आपको 28 ग्राम, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन होता है 14, यस सर, 28 कितना मिला 1 मोल सर, 1 मोल, यस सर, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। हाँ किसी को कुछ डाउट है तो मैं दूसरा वाला बता सकता हूँ, बताओ दूसरा वाला बताओ, मैं किसी को पूछना तो प्लीज पूछे, मैं दूसरा वाला भी सॉल्व कर दूंगा। सर एक बार लास्ट वाला ऑप्शन भी सॉल्व करके बताओ तो, फर्स्ट वाला, यस सर, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो बेटा, N1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मला मास अपॉन एटॉमिक मास, अब देखो कितना ग्राम दिया है 16 ग्राम, कितना दिया आपका 16 ग्राम दिया है ना, N1 मतलब कि फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है तो ज्यादा सही रहेगा, ये वाला बता, ठीक है 16 ग्राम दिया है। अब कार्बन क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमको पता नहीं है उसका मास, तो फाइंड कर देते हैं, तो कार्बन कितना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, आप बोलोगे कार्बन होता है 12 और इसका होता है 16, तो कितना आएगा आपका, आएगा 28, तो 16 डिवाइड बाय 28 करो कितना आंसर आएगा, अगर आप 16 को डिवाइड करते 28 से तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 0.57, कितना आया 0.57 मोल आ गया, है ना। क्वेश्चन में कितना आंसर आना चाहिए था, 1 मोल आना चाहिए था, तभी अगर जो हमारा 1 मोल होता तो हमारा सही था, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.57 आ रहा है, तो क्या होगा ये इसका आंसर नहीं होगा, समझ गया ना। वापस बोल रहा बच्चों, वापस बोल रहा बच्चों ध्यान दो, वापस बोल रहा बच्चों ध्यान दो, हमें क्या किस टॉपिक को ध्यान देना है, हमें टॉपिक को ध्यान देना है, हमें सबसे पहले निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं हमें क्या होता है एक वैल्यू मिलता है, हमें ये पता है कि 1 मोल के अंदर, हमें ये पता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, आप बोलोगे 6.022 × 10 टू द पावर
23 एटम्स वन मोल मॉलिक्यूल या तो पार्टिकल्स हो सकते हैं, या तो पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आंसर सेम आना चाहिए, अगर हम देखो अगर हमारा आंसर सेम लेके आना है तो क्या होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, सेम ही नंबर पे लेके आना पड़ेगा, है ना। वन मोल में इतना है तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे वन मोल में क्या होगा, उतने एटम्स होगा। समझोगे नहीं समझ रहे हो? बेटा जिसने डाउट पूछा समझ गए, हमारा ऑप्शन नंबर वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं आ रहे। अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम आता है तभी तो मॉलिक्यूल्स भी सेम आएगा ना। अगर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं है तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सेम कैसे हो सकता है? समझ रहे हो कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ तो किसी कुछ डाउट है बेटा, बताओ किसी कुछ डाउट है? किसको रिपीट करना है? राशिश रिपीट करो वापस। यस सर। क्या बोल रहे बेटा वापस बोलो सर? फर्स्ट क्यों नहीं आया, इसका आंसर भी तो वन मोल है। फर्स्ट का? यस सर। का फर्स्ट का तो 0.57 आ रहा है ना बेटा। यस सर। आपने ये लिखा नंबर ऑफ मोल 16। किसका किसका बता रहे हो, वापस बोलो बेटा, डाउट सॉल्व करो। हां बोलो सर। आपने ये लिखा है येलो पेन से नंबर ऑफ मोल 16/16=1। 16 का लिखा है? हाँ, ये तो इसका है लिखा है, मैंने क्वेश्चन का लिखा है। देखो इसका लिखा है मैंने, ये मैंने इसका लिखा है, एक क्वेश्चन का लिखा है। देखो ये वाला पार्ट। यस सर। ऑक्सीजन का? और ये मैंने ऑक्सीजन का लिखा है ना, एक क्वेश्चन में लिखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है तो मास कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। तो 16/16 कितना हो गया, वो ना आया। अब पता चला? यस सर। आपको दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो जो ये जो मैंने ये निकाला ना, ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने दूसरा निकाला है, ठीक है, ये मैंने दूसरा निकाल दिया। और किसी कुछ डाउट बेटा? सर जो सेकंड नंबर है लार्ज नंबर ऑफ एटम वाला, वो रिपीट कर दो। वो तो हमने किया ही नहीं, वो तो करेंगे अभी, ठीक है ना, है ना, वो करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following will have larger number of atoms? क्या बोला है? किसमें ज्यादा atoms होंगे? तो atoms कब ज्यादा होंगे? जब आपके number of moles ज्यादा होंगे, right? Yes sir. Yes sir. हाँ, atoms ज्यादा कब होंगे? जब आपके number of moles ज्यादा होंगे, ठीक है ना? अभी करता हूँ मैं, first लग करता हूँ, ठीक है ना? First लग निकालता हूँ, N1 निकालता हूँ। N1 मतलब क्या? Gold वाला, 1 gram of gold। तो mass हम क्या निकालते हैं? Mass क्या होता है? देखो, number of moles equal to mass upon atomic mass या molecular mass? एटॉमिक मास, है ना? ओके, अब देखो कितना ग्राम बोला है, ग्राम कितना दिया है, 1 gram दिया है, तो 1/ गोल्ड का, गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? गोल्ड का एटॉमिक मास कितना है? 197। तो अगर आप देखो, अगर आप 1 को 197 से डिवाइड करो तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 0.00507 मोल, इतना आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अब मैं बता रहा आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वाला, N2। क्या बोला है, 1 gram सोडियम, ठीक है ना, कितना दिया, मास कितना दिया आपको, 1 gram, मास कितना दिया आपका, 1 gram दिया, तो क्या लिखोगे, 1/ सोडियम, सोडियम कितना होता है, 23 होता है, 23। हाँ, तो अगर आप 1 को 1/23 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 0.043, इतना आएगा, ठीक है? Yes sir. ठीक है, अब देखो थर्ड N3 निकालते हैं, लिथियम वाला निकालते हैं, N3। अब देखो क्या लिखा है, 1 gram लिथियम, है ना, तो मास कितना दिया आपका, नंबर मोल्स फॉर्म में क्या होता है, मास अपॉन, बोलो क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, हाँ, मास कितना दिया, मास दिया 1 gram, लिथियम का, लिथियम का 7 N4 निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, 1 gram of fluorine, क्या बोला है,
वन ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो मास क्या दिया आपको, आपको मास दिया वन ग्राम, ठीक है ना, मास दिया वन ग्राम। क्लोरीन, एक क्लोरीन देखो यहाँ पे, देख क्लोरीन गैस बोला है, एक क्लोरीन का होता है कितना 35.5, क्लोरीन कितना होता है 35.5 ग्राम पर होता है, तो किसका क्लोरीन का, एक क्लोरीन का इतना होता है। तो दो कितना होगा 71 आएगा, दो कितना होगा 71 आएगा, तो क्या होगा 1/71 करो कितना आएगा आंसर आएगा, आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 0.014, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। अब बताओ, देखो मैंने क्या बोला, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब बताओ बताओ, इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसका कौन सा है, लिथियम का। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, अगर सबसे बड़ा नंबर किसका है, नंबर मोस्ट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन थ्री। मतलब क्या होगा, ऑप्शन थ्री में क्या होगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ गए बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, चैट बॉक्स यूज करने के, थैंक यू सो मच। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद